इन्फ्लेशन छत फाड़ के आसमान से बाहर निकल गई है, इससे बुरा क्या होगा? पाकिस्तानी लीडर तो सत्तू पी के सोए हुए हैं। आप ख्याल में 8 महीने चल जाएगा इस तरह? जी बिल्कुल, आपको मुल्क चलाना पड़ेगा। इंडिया जो है वो अरब वर्ल्ड के साथ इतना करीब हो चुका है कि पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया में डिबेट चल रही है कि हम सत्तू पीकर सो रहे हैं और भारत अरब देशों के साथ अपने रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। हमारे पास अभी गैस नहीं है, शायद आगे ऑयल खरीदने के लिए पैसे भी ना हों। इससे ज़्यादा क्या बुरा हो सकता है पाकिस्तान के साथ? क्या हमारा मुल्क कुछ दिन और चल पाएगा? उधर भारत अपने रिपब्लिक डे को किस तरह डिप्लोमेसी से इंटरनेशनलाइज कर बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा है? हमें तो सिर पे उनके पैसे दिखाई देते हैं कि कौन हमें कितने पैसे देगा। हम उनके साथ व्यापार करना ही नहीं चाहते और भारत उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर अपने एक्सपोर्ट को और बढ़ाएगा। इससे अरब देशों के साथ भारत के रिलेशन और मजबूत होते जाएंगे। भारत का दाब और पाकिस्तान के हालात पाकिस्तान मीडिया से जाने। अभी सर्दियां शुरू नहीं हुई और जनाब लीरें शुरू होगी, लीरें आपकी उतरनी शुरू हो गई हैं गैस पे, दूसरे मामला में। गर्मी आएंगी तो आपके पास पैसे नहीं होंगे फ्यूल बनाने के, और वहाँ फिर शॉर्टेजेस होनी है सब कुछ। आउटगोइंग चीफ ने कहा है कि माशी इस्तेकाम नहीं होगा जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा। अपोजिशन कहती है यार इलेक्शन करवाएं ताकि जो भी आए 5 साल के लिए आए, 1-2 साल सख्त इकोनॉमिक फैसले करे, फिर आगे चीज़ें करे, सब कुछ करे। अर्ली इलेक्शंस के बगैर किसी तरह की स्टेबिलिटी आ सकती? आज डॉलर में देख रहा था सरकारी रेट है 223.81 रुपये, मार्केट में 247 से 250, और वो भी नहीं मिल रहा। इस वक्त एक शॉर्टेज है, एक मसला है, उसको मैनेज किया जा रहा है। जो इस वक्त हालात है माशी, जो है सियासी, ये टेनेबल है क्या? ये 7 महीने शायद आप चल सके, शायद खान साहब की पॉलिटिक्स चल सके, मुल्क चल सकता है? और अगर फौज सीधा जवाब है कि इलेक्शन इसका हल है, तो इलेक्शन इसका हल है ना। मुझे बताएं आप 90 दिन के केयर टेकर सेटअप के मुतामल हो सकते हैं? आप ख्याल में नहीं हो सकते, नहीं हो सकते आप, बिल्कुल नहीं हो सकते आप। हुकूमत टर्म पूरी करें, यही स्टेबिलिटी का निशान होता है। हर मौके पर हुकूमत बदल देना, हुकूमत तोड़ देना, ये किसी चीज़ का हल नहीं है। आप कह रहे हैं इंटरिम गवर्नमेंट भी अगर बनी 3 महीने के लिए तबाही फैल जाएगी, तो इस वक्त कौन सी तबाही नहीं फैली हुई? और देखिए क्या इससे बुरा क्या होगा, मुझे बताएं। होगा ये, इमरान खान रहता आपने अप्रैल में डिफॉल्ट कर जाना था। अच्छा, कोई आपसे बात करने वाला नहीं था, ना मल्टीलैटरल आपसे बात कर रहे थे आलमी इदारे, मालियाती इदारे जो हैं, ना कोई दूसरा मुल्क आपसे बात करना चाहता था। जहाँ पे आज मुल्क की मईशत पहुँच गई, ये बहुत ही गैर मामूली हालात हैं। हमारे मुल्क के मुश्किल तरीन तारीख में मुश्किल तरीन हालात आज हैं। ये जो 22-22 रुपये का स्प्रेड चल रहा है मार्केट का, डॉलर भी काबू आपसे नहीं हुआ, जब आपकी क्रेडिट स्वाप की बात हो रही है, रिस्क फैक्टर है वो नहीं हो रहा, आपकी एक्सपोर्ट 17% गिर गई है, इन्फ्लेशन छत फाड़ के आसमान से बाहर निकल गई है, इससे बुरा क्या होगा? बेहतर नहीं है हो जाए 3 महीने इंटरिम वाले आएंगे, इलेक्शन रुक्शन करा के चले जाएंगे, लेट द न्यू गवर्नमेंट डील। क्या होगा, एक गवर्नमेंट आएगी लॉन्ग टर्म के लिए, क्या करेगी हमें क्या? आप क्या कर रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ ना, जो आप कर रहे हैं वो हमें भी नजर नहीं आ रहा। कह रहा हूँ कि आज इलेक्शन किसी चीज का हल नहीं है। आप ख्याल में 8 महीने चल जाएगा इस तरह? जी बिल्कुल, आपको मुल्क चलाना पड़ेगा। चल जाएगा नहीं, मुल्क चलाया जाता है, मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। भारत जो है वो जो रिपब्लिक डे परेड है उसको इन्होंने एक इंटरनेशनल इवेंट बना दिया, उन्होंने रिपब्लिक डे को इंटरनेशनलाइज कर दिया। देखिए ये एक होती है, दिस इज अ स्मार्ट स्ट्रेटजी है, तो अपना एक रिपब्लिक डे लेकिन उसको इंटरनेशनलाइज कर दिया इन्होंने। अच्छा, जो कि एक मैं समझता हूँ एक सक्सेसफुल डिप्लोमेटिक एक सक्सेस है इनकी, ठीक है जी। लेकिन आपने एक चीज़ नोट नहीं की, पाकिस्तानी लीडर तो सत्तू पी के सोए हुए हैं, और पाकिस्तानी लीडर्स को तो जब मुसलमानों का ख्याल आता है या मुस्लिम दुनिया का ख्याल आता है, इनको तो रियाल और दिरहम की समझ आती है, इनको तो रियाल और दिरहम से आगे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इंडिया जो है वो अरब वर्ल्ड के साथ इतना करीब हो चुका है कि पाकिस्तान जो है वो ना तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट जो है वो प्लेयर है, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है ना बस ये है कि ठीक है, एक हिस्टोरिकल ताल्लुकात हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी हुई है तो अब बस ठीक है, इनके साथ ताल्लुक रखो ज़रूरी है, इनके पास फ़ौज है। एक बड़ी जो चीज़ वो समझते हैं कि शायद इनका जो ये सिक्का फ़ौज वाला कभी हमारे काम आ जाएगा, क्योंकि छोटी स्टेट्स हैं, अरब स्टेट्स हैं, तो दे आर वल्नरेबल मिलिटैरली। अच्छा, इससे पहले अगर आपको याद हो कि मैंने थोड़े दिन पहले भी बात की थी कि भारत जो है वो किस तरह गल्फ़ कोऑपरेशन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर तकरीबन उनका जो है वो एग्रीमेंट हो चुका हुआ है, और ये आप समझें कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट GCC के साथ है, इसमें आप इमेजन नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी इंडियन
लोगों के लिए मार्केट खुली है, इंडिया के लिए मार्केट खुली है, ठीक है जी, और सारे के सारे अरब वर्ल्ड के अंदर तो कुछ भी नहीं है, मतलब वो फसलें तो सब्जियां तो होती नहीं है, ये चीज़ें तो उगाते नहीं है, लेकिन किस तरह वो पाकिस्तान तो उसका एडवांटेज नहीं ले पा रहा, पाकिस्तानी बिजनेसमैन तो एडवांटेज नहीं ले पा रहा, लेकिन देखिए इंडियंस किस तरह एडवांटेज ले रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।